सो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, दिस इज योर ब्रो एडिक्ट गेमर। आज अब क्योंकि पबजी बैन हो गया है, मेरे पास कोई गेम नहीं है खेलने के लिए, तो माइनक्राफ्ट में वापस आ गया। आप देख सकते, अब मैंने यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें बनाई है। जैसे देखो, यहाँ पे एक घर बनाया है और वहाँ पे एक्सपी फार्म है। एक्सपी फार्म मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। अभी आज मैं जो करने वाला हूँ वो आप टाइटल से देख ही चुके होंगे और आगे देखते हैं। और मैं माफ़ कर, इस वीडियो में साउंड नहीं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा था ना, मैं इसमें साउंड डालने वाला था, मतलब इसमें साउंड आने वाला था, लेकिन जब मैं बनाने बैठा था तो ये गेम लैग होने लग गई। अब मैं आपको ये दिखाने के लिए लाया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे विलेजर्स को कैद किया हुआ है, और इस विलेजर से मैंने बहुत ट्रेडिंग की। फिर इसने मेरे को एक इन्फिनिटी का वो दिया है, लेकिन मैंने अभी तक को लिया नहीं है। और इस विलेजर से भी काफ़ी ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग की है, मतलब ट्रेडिंग की है, सॉरी। तो इससे मेरे को बहुत सारे एमरल्ड्स मिल गए इन दोनों से, और ये इससे भी मिल गया, और इससे मेरे को एक ओशन एक्सप्लोरर मैप मिला है जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। तो अब सबसे पहले मैं आपको इनका बेडरूम दिखाता हूँ। तो चढ़ क्यों रहे। हाँ, अब यहाँ मैं काफ़ी जल्द भी रख गया था। तो ये देखो, मैंने इनका बेड कितना अच्छा बना रखा है। अब ये इनको अच्छा लगेगा तो इसलिए मैंने रख लिया। अब यहाँ से चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊँ। मैंने बहुत सही, अब मैं ना वो पोशंस भी बनाने लग गया हूँ। मैं पोशंस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है। और अभी अंदर जाके दिखा, अंदर तो मैं आपको सबसे पहले अपने पेट्स दिखाता हूँ मेरे पास कितने सारे हो गए हैं। ये देखिए, मेरे पास डॉगीज है और 3 कैट्स है, जिनको मैंने 2 को टेन किया था और 1 को ब्रीड किया था। यहाँ पे भी पीछे बैठे हुए हैं दोनों के। तो यहाँ पे भी अभी तक सबको नाम नहीं दिया कि वो ला रही है। तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलूँगा। और ये देखो, मैंने ये सब तैयारी करी हुई है, और मेरे को ट्राइडेंट भी मिल गया था। हाँ, ट्राइडेंट मेरे को मिला एक्सपी फार्म की वजह से, और मैंने इन सबको एनचैंट कर दिया। मेरे पास एनचैंटेड बुक्स बहुत सारी पड़ी थी जो मैंने ऑफलाइन बैठ के वहीं, और यहाँ पे लगता है ग्लिच हो गया है, इसको ठीक करते हैं। अब क्योंकि मैंने पोशंस बनाना सीख लिया है, तो मैंने वाटर ब्रीदिंग पोशंस बनाए जिनको अब मैं यूज़ करूँगा ओशन में, जो मॉन्यूमेंट है उसको एक्सप्लोर करने में। तो सबसे पहले बोर्ड लगाते हैं, फिर सीधा चलते हैं ओशन एक्सप्लोर मैप से। ओशन एक्सप्लोर मैप पहले निकालूंगा मैं, उसके बाद चलेंगे। आधी देर तक मैं सोचता रहता हूँ कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। अब मेरे को थोड़ी कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि यहाँ मेरे घर में, घर की तरफ गेम बहुत लैग हो रही थी, लेकिन बाहर इतनी लैग नहीं हो रही थी जितनी घर के अंदर हो रही थी। घर के अंदर तो भाई भर के लैग हो रही थी गेम। जैसे ही मैं थोड़ा घर की तरफ से 100 का जो डिस्टेंस करता है ट्रैवल, तो पहुंच जाता। अब मैं आपसे सीधा मॉन्यूमेंट में मिलता हूँ। मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगा कि कितना ट्रैवल किया, मैं बहुत ट्रैवल किया था। 2000 years later. तो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया। बहुत ट्रैवल करना पड़ा, लिटरली 2 से 3 घंटे में ट्रैवल करते हुए आया हूँ यहाँ। तो अभी सीधा सबसे पहले अपना थोड़ा सामान मैं यहाँ से हटाऊंगा, क्योंकि ये सारा सामान अगर मैं वहाँ नीचे लेके गया और अगर मैं मर गया तो ये सारा सामान मेरा चल जाएगा। तो मैं लगभग सारा सामान तो यहीं पे छोड़ के जाऊँगा, लेकिन जो सामान मेरे को चाहिए जैसे पिकैक्स तो रहेगी, स्वॉर्ड और ट्राइडेंट मैं सोच रहा हूँ कि यूज़ करूँगा, क्योंकि शायद ट्राइडेंट से वो जो वहाँ पे जो गार्डियंस है वो जल्दी मर जाए। मेरी स्वॉर्ड तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ट्राइडेंट जो है उनको जल्दी मार देगा, और मैं सुना है कि वो जो गार्डियंस है उनमें बहुत जान होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना सामान खाली करते हैं, फिर सीधा वहाँ पे निकलेंगे। अब मेरे को क्योंकि सारे पोशन नहीं चाहिए थे, मेरे को लग रहा था कि मैं सारे पोशन को यूज़ करने के बिना ही आराम से कर लूँगा। मैं शायद 4 से 5 पोशन में सर्वाइव कर जाऊँगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोग ज़रूर देखते रहना। तो अब सबसे पहले मैं बेड यहाँ पे लगाता हूँ, कि बेड यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। तो मैं रिस्पॉन ताकि यहाँ पे ही हूँ, और यहाँ पे रख देते हैं सारे पोशन जो काम के नहीं है, मतलब रख देते हैं 4 रख देते हैं,
नहीं मतलब चार अपने पास रखते हैं और पांच यहाँ पे रख देते हैं। तो आई थिंक मैं सब रेडी हूँ। एक काम करता हूँ, मैं शायद एक पिकेक्स और बना लेता हूँ। उससे पहले वो थोड़ी स्टिक, और उसके बाद वहाँ से आयरन इंगोट लेता हूँ एक पिकेक्स और बनाने के लिए, फिर चलेंगे। पिकेक्स बनाएंगे, वापस आयरन इंगोट सही रखें, फिर सीधा। तो अब पहले ये भी रख देता हूँ, ये सारे मैं पोक चौक ले जाके भी करूँगा। मैंने शील्ड क्यों रखी? शील्ड मेरे पास नहीं है, मैंने मैप पकड़ा हुआ है हाथ में। मैप को तो हटाओ यार, शील्ड लो पहले, शील्ड तो चाहिए ही। मैप का आप क्या काम? इसको यहाँ रखते हैं सबको। अब गाइस अगर मैं मर भी गया यहाँ पे, तो मेरे को एक चीज़ की तो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर यहाँ पे मर गया मैं तो रिस्पॉन तो यहीं पे होऊंगा, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेट्स मैं नोट करके रखे हुए हैं। बीच में मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो अब यहाँ पे मैं बी के सीधा चलते हैं उसकी तरफ, मॉन्यूमेंट की तरफ। अब देखते हैं मॉन्यूमेंट में जाके क्या होता है। गार्डियन से लड़ाई करनी पड़ेगी। वो रहा मॉन्यूमेंट, और ये डॉल्फिन बाद में बताऊँ। और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? मेरे ब्रीदिंग के ऊपर कुछ आया हुआ है, वहाँ पर जो बबल्स थे उनके ऊपर कुछ और भी आया है। ये है क्या भाई? तेरे से ही लड़ाई, और तू गार्डियन अभी से आ गया, ये इसने मेरे को कुछ दिया? मेरी स्क्रीन के ऊपर यही आई थी। मैं तो इससे पंगा नहीं लेना अभी, कि बाद में लेंगे, अभी तो पहले मेरे को सामान ढूंढना है, तेरे से लेना। तो यहाँ से चलते हैं, और एंट्रेंस ही बंद। वाह क्या मॉन्यूमेंट है, एंट्रेंस ही बंद है। नीचे से चलते हैं यहाँ, पिकैक्स निकालो, तोड़ो इनको। टूट क्यों नहीं रहे ये? एक सेकेंड, पिकैक्स से ही टूटते क्या? ये मेरे को दिया हुआ क्या है इसने? चम्मच है क्या? माइनिंग फटिग यू, ओहो माइनिंग। अब मैं माइनिंग भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ मेरे को फटिग का मतलब नहीं पता, लेकिन इतना मैं समझ सकता हूँ कि माइनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि माइनिंग है उसमें, और वो ऑब्वियसली उन्होंने मेरे को दिया है, तो मेरे लिए तो अच्छा नहीं होगा कुछ। यहाँ पे इसको ट्राइडेंट से मारूंगा मैं, ट्राइडेंट यूज करता हूँ, देखता हूँ। ये लगा नहीं उसके, वापस ट्राई करते हैं, नो प्रॉब्लम। अनब्रेकिंग लगी हुई है, मैं ट्राइडेंट कर क्या रहा है? एक ही शॉट में गया, वाओ ट्राइडेंट तो ओपी है। ट्राइडेंट वैसे भी मेरे पास शायद अनलिमिटेड सप्लाई है ट्राइडेंट की, क्योंकि जो मैंने एक्सपी फार्म बनाया है वो ट्राइडेंट का ही है एक तरीके से। बाद में बताऊंगा कि कैसे बनाया मैंने, पहले अभी इधर ध्यान देते हैं। यहाँ से चलते हैं फिर। अब कहाँ है रास्ता? देखो पूरी भूल भुलैया बना रखी है। रास्ता तो रास्ता नहीं है, ये तो नीचे से जा भी नहीं सकता मैं साइड से यहाँ पड़े, तो पीछे वाले रूम में चलते हैं। मेरे यहाँ पे भी रास्ता है शायद, पीछे में देख के आते हैं। नहीं यहाँ पे भी रास्ता नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट। और यहाँ नीचे से भी नहीं जा सकता यार, क्या यार। यहाँ से चलते हैं, इधर से भी नहीं, ऊपर ऊपर जा थोड़ा, क्या कर रहा है? इतना भी ऊपर नहीं यार, चलते हैं। तो अब ऊपर, यहाँ से भी ऊपर रास्ता नहीं है, मैं जाऊँ कहाँ पे? एक काम करता हूँ, मैं सीधा उधर मिलता हूँ ना यार, आप लोग क्यों टेंशन दे रहा हूँ मैं। 2000 years later फाइनली गाइस, मेरे को फाइनली वो जगह मिल गई। मैंने यहाँ से गोल्ड गोल्ड तो इकट्ठा कर ली है, मेरे को नहीं लगता यहाँ पे गोल्ड के अलावा कुछ है। मेरे को 13 गोल्ड के वो मिले, तो मैं यहाँ से सीधा निकलूँगा, कहीं नहीं रुकूँगा। मेरे को यहाँ पर लगभग 3 से 4 घंटे हो गए, और मेरे वो सारे पोशन ख़त्म हो चुके हैं। मैं वहाँ ऊपर से जाके और लेके आया था, वो सब भी ख़त्म हो गए। अब मैं कोशिश पूरी है, मेरे पास केवल एक पोशन पड़ा था जो मैं पी गया हूँ, तो मेरे पास अब बिल्कुल पोशंस नहीं है। तो अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को जल्दी से जल्दी रास्ता मिल जाए। तो चलते हैं, मैं लिटरली बहुत थक गया हूँ। अब इसको मेरे को निकालना पड़ेगा कैसे भी करके। अब मेरे को रास्ता और नहीं मिल रहा, मैं जाऊँ कहाँ से? टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा, केवल 5 से 7 मिनट, 5 से 6 मिनट बचे हैं मेरे पास बस। और एक तो ये जो माइनिंग फटिग्यू है, जब मैंने गोल्ड को खोदा उसके बाद मेरे को और इसने माइनिंग फटिग्यू दे दिया,
जैसे ये जाता और उसके वो केवल एक मिनट होता, ये क्या कर रहे हैं आप, इसको मारो सबसे पहले। गॉड स्लेयर, मैंने कहा था नहीं ये मेरी स्वॉर्ड किसी काम की नहीं है इनके सामने, इसको तो मैं इसी से मारूंगा। और क्योंकि इस पर लॉयल्टी भी लगी हुई है और भी बहुत कुछ लगा हुआ है, तो मेरे को ये याद नहीं कि ये कौन सा एन्चेंटमेंट से आती है, और ये तो मर गई। मेरे को ये पता कि ये वापस आ जाती है और यहाँ पे भी रास्ता नहीं है, और मैं जाऊँ कहाँ से यार, मैं मरना तय है यार, लिख के ले लो। और इसने मैं ये कह दिया स्पंज और शार्ट ले लेते हैं, फ्री का माल है, फ्री के माल को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब आगे चलते हैं, अब मैं जाऊँ कहाँ से, वापस नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर तो रास्ता बिल्कुल नहीं है, तो वापस यहाँ से मैं नीचे जाऊँ, नहीं यार आगे चलते, नीचे तो मैं जाके आया हूँ वैसे तो एक बार, फिर भी नीचे चलते हैं। एक सही यहाँ पर भी रास्ता है, नहीं यार यहाँ से नीचे चलते, ये एक नई जगह है यहाँ पर वापस, ये वही जगह आ गई वापस गोल्ड वाली। कहाँ है यार रास्ता, मैं जाऊँ कहाँ से, मेरे को नहीं लगता मैं घर पहुँच पाऊँगा एक्चुअली, मतलब मेरे को नहीं लगता कि मैं यहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा। अब केवल कितना टाइम बचा मैंने देखा भी नहीं, फोन हटा दिया, मेरे पास शायद 45 सेकंड्स बचे हुए हैं। हे भगवान बचा ले, तेरे ही हाथ में अब, तेरा गोल्ड के ब्लॉक्स लेके मैं मरना ही चाहता, ये मेरे बहुत काम आएंगे उनके साथ गैम्बलिंग में। वैसे तो मेरे पास एक स्टैक ही पड़ा हुआ है बस अब गोल्ड का, क्योंकि मैंने सारे खर्च कर दिए। ये मैं फिर से वहीं आ गया, घूम फिर के मैं वहीं घूमे जा रहा हूँ गाइस, मैं लिटरली उसी जगह पे तीसरी या चौथी बार आ गया हूँ। मारो मुझे मारो गाइस, यार गाइस अभी मैं कहाँ जाऊँ, पूरी भूल भुलैया बना रखी है, मैं एक ही जगह पे 5 बार घूम चुका हूँ, और मैं अगर रखता रास्ता याद भी तो नहीं रहता, मैं ऐसा कुछ वो भी लेके नहीं आया जिसको यूज़ कर सकता हूँ मैं, कोई बिल्डिंग ब्लॉक भी लेके नहीं आया कि मैं यहाँ से आया था, जो मैं शुरुआत में ही लगा लेता कि मैं घूमू ना, अरे यार लेके आना चाहिए था। और यहाँ पर भी रास्ता है, यहाँ ये कोई नया रास्ता है क्या, प्लीज़ टेल मी नया रास्ता है। नहीं डिसअपॉइंटमेंट गंदी वाली, नहीं एक सेकेंड, यप डिसअपॉइंटमेंट, पूरी डिसअपॉइंटमेंट। मैं लिटरली माइनक्राफ्ट वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यार यहाँ पे भी रास्ता नहीं, ऊपर की रास्ता, ऊपर रास्ता, अरे ये कौन सी जगह, ये नई जगह है, अरे नई जगह है, शायद निकल जाऊँगा मैं। स्पंज यार यहाँ पर भी पानी है, मैं तो सुना स्पंज सोख लेता है पानी को, इतने सारे स्पंज होने के बाद भी यहाँ पर पानी है, मैं मर जाऊंगा गाइस, यहाँ पर भी है, मेरे को कम से कम एक डोर लेके आना चाहिए था। नहीं गाइस आई कांट सर्वाइव गाइस, नहीं तोड़ सकता मैं क्यों कोशिश कर रहा हूँ। 42 सेकेंड, आई एम पैनिकिंग, मैं कहाँ जाऊँ, कोई मेरी मदद करो, एक तो इसमें कोई मल्टीप्लेयर भी तो नहीं है जो मेरे को बचा सके, सर मैं मरने वाला हूँ यार, ये क्या लिखा हुआ है मैंने यार, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक भी नहीं कर सकता मैं, ये क्या है, मेरे को अगर यहाँ पे कुछ वुड होती मेरे पास तो मैं शायद सर्वाइव कर सकता, मतलब मर भी जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं अपना सारा सामान चेस्ट में डाल देता और मेरे बबल्स फूटने लग गए। आई एम गोइंग टू डेड, मिल गया रास्ता, नहीं I am going to dead. Already damage कर रहा हूँ। अब गाइस ये मैं नॉर्मल पे खेल रहा हूँ, इतनी धीरे हेल्थ जा रही है, भगवान भी चाहता है मैं सर्वाइव करूँ पर मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं यार मर गया मैं, आधी हेल्थ बची हुई है मेरी, मैं घूम के भी क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बैठा रह जाऊँ एक ही जगह, मरना तो वैसे ही है। no, God, please, no, ये माइनिंग फैली की फैटी की भी जाने वाला है। no! और आई एम डेड,
और ये मैं कहाँ आ गया? What? ये तो मेरे घर के कोऑर्डिनेट्स है, मैं अपने घर पे आ गया, मैंने उस बेड पे क्लिक भी नहीं किया, मैं उस बेड पे टैप भी नहीं किया जिसकी वजह से मैं, ओह नो गाइस, तो गाइस मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम, सॉरी मैं पता नहीं क्या बोलूँ, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दैट ओशन एक्सप्लोरर मैप। उस कार्टोग्राफर की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, उसको मार मार के मैं बंद कर दूंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट। और ये गेट भी बंद नहीं होता यार, बंद हो। हाँ, तुम लोग कोई बाहर मत चल जाना, मार खाओगे। बाय बाय गाइज़।